भी मिलता है, एलआईसी मिलता है, रेलवे मिलता है, जीआईसी मिलता है, जब ये सब लोग एक साथ आपस में मिलते हैं तब जाकर के फेडरेशन का निर्माण होता है और सारे लोग सब सपोर्ट करते हैं तो एक आंदोलन खड़ा होता है। अब सब लोगों के जो भी यहाँ हेड आए हुए हैं, पीएनबी के हेड हैं, यूनियन बैंक के हेड हैं, हमारे दूसरे बैंक के, हमारे जो इलाहाबाद बैंक के हेड हैं, बहुत सारे संगठनों के हेड हैं, हमारे भास्कर भी आए हैं, सबने बात है, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हमारे हेड हैं, विभिन्न संगठनों के हेड यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम लोगों को क्या इस विषय पे करना चाहिए, दो इशू हमारे सामने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जो स्टूडेंट भी हैं वो भी हैं, मीडिया के प्रभारी हैं हमारे राष्ट्रीय कवि नागपाल जी भी हैं, मेरा समाज का मुझे लगता है कि मीडिया आज हमारा जो दलित मीडिया हमारा काम कर रहा है 100% मैं कहूँगा 90% तो मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है और ये लोग यही सुनने के लिए आए हैं कि क्या संदेश आज इस हाउस से जाएगा और ये क्या फैसले लेंगे जिससे कि पूरी देश दुनिया के सामने आज आपके फैसलों को ये लोग दुनिया के सामने ले जाकर रख सके। तो दो मुद्दे हैं, एक हाईकोर्ट के जो हमारा जजमेंट है उसको हमें चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, नंबर एक बात, उसको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो फिर उसमें सबको अपनी जिम्मेदारी बोध करनी है। नंबर दो, अब तक के प्रयास ये हैं जो हमारे भारती साहब जी पी एस भारती चेयरमैन हैं उन्होंने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को दी है, शायद आपने देखी होगी कि प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी इसमें लगी हुई है, फेडरेशन के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से ये एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को दी गई है, आपके इसमें लगी हुई है, रिसीप्ट कॉपी लगी हुई है। इसके बाद में अगली चिट्ठी भारत के जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फाइनेंशियल मैटर्स के उनको दी गई है। इसके बाद में एक चिट्ठी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी को रिसीव कराई गई है। एक चिट्ठी इसमें माननीय त्रिक सोलंकी जी जो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं उनको दी गई है। एक चिट्ठी एससी कमीशन के हमारे चेयरमैन जो है उनको दी गई है रमाशंकर राम सिंह कठेरे साहब को, और एक चिट्ठी श्रीमती अनुसुईया उके जो एसटी आयोग की चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, ये चेयरमैन साहब थे नहीं कल को वाइस चेयरमैन को एक चिट्ठी दी गई। और इसमें मुझे बताते बड़ी खुशी है कि डायरेक्टर पार्लियामेंट्री कमेटी शेखर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने इसमें तुरंत संज्ञान लिया, उन्होंने इसमें तुरंत संज्ञान लिया, वो खुद बताएंगे। ये मामला संसदीय समिति के सामने रखा गया, संसदीय समिति की जो परसों बैठक दिल्ली में हुई पार्लियामेंट हाउस में उसमें इस इशू को रखा गया, सारे आपके सांसदों ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, उन्होंने ऑर्डर पास किया और उन्होंने तुरंत जो है उसमें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय को, फाइनेंस सेक्रेटरी को और यहाँ पर जो डीएमपीटी सेक्रेटरी है इन सबको उन्होंने अपना फैसला लिया है और उसका पत्राचार आज तैयार हो गया है, उसका शायद कल वो चिट्ठी निकल जाएगी क्योंकि एक सिस्टम होता है ऑफिस का, अप्रूवल होकर के बाकायदा फाइल नीचे से ऊपर से नीचे जाती है। तो ये काम जो है हमारे डीआर शेखर साहब हमारे डायरेक्टर साहब जिनके द्वारा किया गया, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं। मैं यहाँ दूसरा धन्यवाद करूंगा मैडम अनुसुईया उके के जो वाइस चेयरपर्सन है हमारे एसटी आयोग की, कल हम और भारती साहब जब उनके पास में गए तो उन्होंने इमीडिएट डायरेक्टर हमारे केवी बंसौर वो भी हमारे समाज की बहन है उनको बुलाया, इमीडिएट उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसमें इमीडिएट 5 कम्युनिकेशन आप तैयार करिएगा, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी को भेजो इमीडिएट एफआईआर दर्ज करने के लिए, एक होम सेक्रेटरी को भेजिए, एक फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजिए, एक डीओपीटी सेक्रेटरी को भेजिए और एक एलआईसी के चेयरमैन को भेजिए कि ऐसे आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद में एससी आयोग के अंदर क्योंकि ना चेयरमैन थे ना बाकी मेंबर थे, सिर्फ हमारे एक ही मेंबर वहां पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने इमीडिएट उसमें संज्ञान लिया और अपने अधिकारियों को वहां पर बुला करके तुरंत आदेश दिया कि इसके अंदर तुरंत आप त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो भी कम्युनिकेशन जाना है इमीडिएट जैसा पार्लियामेंट्री कमेटी ने और एसटी कमीशन ने किया है इमीडिएट इसमें कार्रवाई आप करिएगा, उन्होंने तुरंत आदेश जो है कल कर दिए थे। तो ये पत्राचार ऑलरेडी प्रोसेस में है, इसके साथ साथ हम लोगों ने एडिशन टू दिस हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र गया, राष्ट्रपति जी को पत्र गया, सेक्रेटरी फाइनेंस सर्विसेज को पत्र गया, ये पत्राचार अब तक जा चुका है और अभी जो पत्राचार जाने वाले हैं उसमें हमारे जो महिला हमारी जो मंत्रालय है जिसके हमारे ही समाज के हमारे मंत्री हैं इस समय पर जो हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं उन वो अभी मिनिस्टर बनाए गए हैं, मैं नाम उनका भूल गया, वीरेंद्र कुमार खटीक जी को महिला मंत्रालय दिया गया है
और उनके साथ भी हमारी कल भेंट होगी, कल उनकी तरफ से भी, और मेनका गांधी जी का जो विभाग है पशु वाला विभाग, उसके साथ भी कल हम चिट्ठी उनको दे रहे हैं। और एक चिट्ठी जो है हम लोग मानव अधिकार आयोग को भी कल भेजेंगे। और इसमें हमारा ये प्रयास है कि जो ये चीज हुई है कहीं तो रोक लगे, कहीं तो रोक लगे, कहीं तो रोक लगे, कहीं तो हमें स्टेप लेना चाहिए, कहीं तो हमें आगे खड़े होना चाहिए। अगर हर चीज को हमें सोचते रहेंगे यार ठीक है यार छोड़ो यार छोड़ो यार छोड़ो यार, तो ऐसा है कि ये छोड़ने से तो समाज को आए दिन समस्याओं का, हर रोज एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने जो पत्राचार है उसकी एक एक कॉपी आप लोगों को दे दी है, सबको मिल गई होगी। मेरा निवेदन ये है कि अगर समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसमें आगे की रणनीति तय करें, बताएं कि आगे इसमें हमें क्या करना चाहिए। आज की बैठक के दोनों मुद्दे मैंने आपके सम्मुख रख दिए हैं, इन मुद्दों पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा। जो हमने फेडरेशन की तरफ से अब तक जो हमारा होमवर्क था वो हमने पूरा करके आपको बता दिया है, आगे फेडरेशन को इसमें क्या करना है वो आप लोग हमें दिशा निर्देश दीजिएगा, आगे का निर्णय बताइएगा, हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। जय भीम।